हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप सभी लोग मैं हूँ पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द फोर्टींथ लेक्चर ये हमारा चौदवा लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड हम पढ़ रहे हैं इस टाइम फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज प्लानिंग प्लानिंग का जो टॉपिक है प्लानिंग का जो चैप्टर है वो इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तीन लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ प्लानिंग पे एंड दिस इज माय फोर्थ लेक्चर ये मेरा चौथा लेक्चर है प्लानिंग पे एंड होपफुली लास्ट लेक्चर है और इसके बाद हमारा जो प्लानिंग का जो पूरा टॉपिक है पूरा चैप्टर है वो ओवर हो जाएगा और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज ऑर्गेनाइजिंग तो चलिए एक बार देख लेते हैं डिटेल में कि अभी तक ये जो चैप्टर है प्लानिंग इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं तो इसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि व्हाट इज प्लानिंग प्लानिंग होती क्या है इसके फीचर्स क्या है इंपॉर्टेंस क्या है लिमिटेशन क्या है स्टेप्स क्या लिए जाते हैं इन प्लानिंग प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्लान ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कितने टाइप के प्लान होते हैं तो हमने देखा था सिंगल येटेगरी प्लान के बीच में डिफरेंस डिस्कस किया था डिटेल में एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लान यानी प्लान और कितने टाइप के होते हैं ठीक है वो जो तीन थे वो तो मेन कैटेगरी है फर्दर ये एट टाइप के प्लान है ठीक है जो हमें आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ना है इनके बीच में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है एग्जाम में ठीक है तो आपको ये चीजें पता होंगी तभी आप इनके बीच में डिफरेंस आसानी से लिख पाएंगे तो वही हम आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है स्ट्रैटेजी क्या है पॉलिसी क्या होती है प्रोसीजर क्या है बजट क्या है प्रोग्राम क्या है रूल क्या है मेथड क्या है और ये किस टाइप के होते हैं क्या ये स्टैंडिंग प्लान है क्या ये सिंगल यूज प्लान है या ये अदर प्लान की कैटेगरी में आते हैं तो ये सब आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं राइट तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो टाइप का प्लान है दैट इज ऑब्जेक्टिव सबसे पहला क्या है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। ठीक है? थीके? तो ऑब्जेक्टिव तो या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो वन टाइम प्लान डिजाइन किया जाता है ना दैट इज कॉल्ड सिंगल यूज प्लान ठीक और स्टैंडिंग प्लान क्या स्टैंडिंग प्लान यानी ऑर्गेनाइजेशन की वो एक्टिविटीज जो रेगुलर परफॉर्म होती है ठीक है जो रेगुलरली ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज रेगुलरली होती रहती है उनके लिए जो प्लान बनाते हैं दैट इज स्टैंडिंग प्लान ठीक है तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ना ये किस टाइप का प्लान है तो ये ना तो सिंगल यूज प्लान है ना ये स्टैंडिंग प्लान है ये किसकी कैटेगरी में आता है ये अदर प्लान की कैटेगरी में आता है ऑब्जेक्टिव 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 मतलब मतलब हम जानते हैं मतलब होता है उद्देश्य तो जिन जिन द उद्देश, जिन, uh, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जिस भी गोल को अचीव करना चाहती है ऑब्जेक्टिव चाहे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए चाहे हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बात करिए ठीक है आपका भी कुछ ऑब्जेक्टिव होगा आपको एग्जाम क्रैक करना चाहते होंगे या अगर आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स के स्टूडेंट होंगे तो आपका भी कुछ ऑब्जेक्टिव होगा आप कुछ पर्टिकुलर परसेंट ऑफ मार्क्स अचीव करना चाहते होंगे तो चाहे ऑर्गेनाइजेशन की बात करिए चाहे हमारी पर्सनल लाइफ की बात करिए तो ये दोनों ही जगह एप्लीकेबल है तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्या है ये वो एंड है ये वो इन रिजल्ट्स हैं जो मैनेजमेंट अचीव करना चाहती है थ्रू इट्स ऑपरेशन अपने ऑपरेशन के थ्रू जो अचीव करना चाहती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव ठीक ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन पॉइंट ऑफ द प्लानिंग पूरी ये जो प्लानिंग कर रहे हैं ठीक है प्लानिंग का पूरा चैप्टर पढ़ लिया प्लानिंग कैसे होती है ये समझ लिया

ठीक है आप जितने भी पर्सन मार्क्स एग्जाम में स्कोर करना चाहते हैं या कोई जॉब अचीव करना चाहते हैं कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए यू आर डूइंग प्लानिंग तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द प्लानिंग प्लानिंग पूरी क्यों की जा रही है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एंड हु डू द प्लानिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग कौन करता है टॉप मैनेजमेंट क्योंकि प्लानिंग एक बहुत मतलब कह लीजिए इम्पोर्टेंट टास्क है इसकी अगर मैं रिलेटिव इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में

मतलब क्वांटिटेटिव टर्म तो ये ऑब्जेक्टिव है ये आप स्पेसिफिक टर्म क्वांटिटेटिव अगर किसी एग्जाम में आपको इतने परसेंट मार्क्स स्कोर करना है ठीक है ट्वेल्थ का आपका बोर्ड एग्जाम है और आपका एम है कि यू तो हैं हम लोग के टाइम में एट्टी परसेंट एटी फाइव परसेंट तक रहते थे

ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करने के लिए जो भी कम्प्रेहेंसिव प्लान बनाती है ना उसी को हम कहते हैं स्ट्रेटजी. ठीक है एंड स्ट्रेटजी क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी गलत हो गई ठीक है या इससे पहले हमने क्या पढ़ा था uh, हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी टॉप मैनेजमेंट uh, बनाता है क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव ही क्लियरली स्टेटेड नहीं है प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है फिजिबल ऑब्जेक्टिव नहीं है तो कैसे अचीव होगा ठीक है तो ऑब्जेक्टिव हुआ स्ट्रेटेजी हुआ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इट इज मेड बाई टॉप मैनेजमेंट ये टॉप मैनेजमेंट इसको फॉर्मुलेट करता है ड्यू टू इट्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है स्ट्रेटी जो जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो रणनीति है स्ट्रेटेजी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसी में पूरा ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा होता है

फैक्टर्स होते हैं तो उन सारे फैक्टर को ध्यान में रख करके ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटजी डिजाइन करती है एंड इट इज डायनेमिक ये डायनेमिक होती है क्यों डायनेमिक होती है क्योंकि देखिए फर्म के चारों तरफ का जो एनवायरमेंट है वो भी तो डायनेमिक है गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती रहती है टैक्स स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज होती है सारी एक्सटर्नल चीजें एक्सटर्नल एनवायरमेंट के फैक्टर चेंज होते हैं इसलिए जो स्ट्रेटजी होती है दिस इज आल्सो डायनेमिक ये भी डायनेमिक होती है अगर समय मतलब जैसा एक्सटर्नल एनवायरमेंट रहता है जैसा एक्सटर्नल जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो जैसे चेंज होता है वैसे स्ट्रेटजी को समय समय पे चेंज करने की जरूरत है तो स्ट्रेटजी क्या है ये एक तरह की गाइडलाइन है फॉर थिंकिंग थिंकिंग एंड एक्शन यानी जो एक्शन परफॉर्म करना है जो थिंकिंग एंड एक्शन है उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करता है स्ट्रेटजी ठीक है दिस इज रणनीति ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे याद आ रहा है जब जियो लॉन्च हुआ था ठीक है तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था फ्री डेटा मिल रहा था फ्री सिम डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे तो वो क्या है वो जियो की स्ट्रेटेजी थी ठीक है, है, ने किया था, external और internal environment दोनों को को करके कि लोगों को free data का बहुत uh, craze है, कि इंटरनेट uh, लोग बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो फ्री डेटा अगर मिलेगा तो सभी लोग लेंगे, और फिर उसके आगे जिसको ठीक लगेगा वो आगे फिर कंटिन्यू करेगा ठीक है तो जियो की यही स्ट्रैटेजी थी तो दिस इज स्ट्रेटेजी जो थर्ड टाइप का प्लान है दैट इज पॉलिसी पॉलिसी क्या होता है पॉलिसी इज अ स्टैंडिंग प्लान पॉलिसी क्या है स्टैंडिंग प्लान है यानी ये उन एक्टिविटीज वो एक्टिविटी जो रेगुलर है उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो प्लानिंग करता है दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टैंडिंग प्लान प्लान ये तो मैंने बताया था क्या है स्टैंडिंग प्लान उन एक्टिविटीज के लिए बनता है जो रेगुलर हो ठीक है तो पॉलिसी क्या है पॉलिसी एक टाइप का रेगुलर एक्टिविटी के लिए ये प्लान बनाया जाता है तो पॉलिसी इज अ स्टैंडिंग प्लान पॉलिसी क्या होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी होती है वो एक स्टैंडिंग प्लान होती है ठीक है है वन वर्ड में ही बहुत पूछा जाता पॉलिसी स्टैंडिंग प्लान है कि वन टाइम प्लान प्लान है 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 ठीक यानी सिंगल यूज तो इस टाइप के क्वेश्चन भी वन वर्ड में बहुत पूछे जाते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा पॉलिसी क्या है वैसे खैर लास्ट में, मैं करूंगी, तो समझ में आ जाएगा पॉलिसी क्या है है स्टैंडिंग प्लान यानी पॉलिसी उन एक्टिविटीज के लिए बनाया जाता है जो रेगुलर हो ठीक है तो पॉलिसी क्या है ये एक जर्नल स्टेटमेंट होता है दैट गाइड थिंकिंग एंड चैनलाइजिंग एनर्जी टुवर्ड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी ऑर्गेनाइजेशन कि जो भी एनर्जी है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए ठीक है, तो है जो स्टेटमेंट जो जर्नल स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है दैट इज कॉल्ड पॉलिसी तो पॉलिसी एक जर्नल स्टेटमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है इन थिंकिंग एंड इन चैनलाइजिंग द एनर्जी टुवर्ड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ठीक है और ये जो पॉलिसी होती है ये किस बात को ध्यान में रख के बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जैसा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा जैसा उसका गोल होगा जो उसका उद्देश्य होगा उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसी को डिजाइन करता है ठीक है हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अलग पॉलिसी होती है एंड पॉलिसी हेल्प इन इंटरप्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन की क्या रणनीति है क्या strategy है इसको अगर समझना हो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी समझ में आ गई तो यानी काफी हद तक आप ऑर्गेनाइजेशन की जो strategy है जो रणनीति है आगे ऑर्गेनाइजन क्या करने का सोच रही है उसके बारे में काफी कुछ idea लग जाता है ठीक है एंड पॉलिसी प्री डिसाइड सम इशू पॉलिसीज में बेसिकली होता क्या है पॉलिसीज में जो ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसिक जो इश्यूज है ना उनको पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है कि ऐसा ऐसा करना है इन इन सिचुएशन में ऐसा रहना है ठीक है तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता इट हेल्प इन अवॉइडिंग द कंफ्यूजन एंड ये बहुत आसान हो जाता है किसी भी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने में अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज जो है अगर वो क्लियरली स्टेटेड है तो किसी टाइप का को कोई कंफ्यूजन नहीं होता और इसमें जो इशूज है उनको पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है

ठीक है तो उसे नहीं हायर करना है ठीक है तो ये भी इस टाइप की भी पॉलिसी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन की तो ये ये क्या होते है? ये जर्नल होते हैं हैं जर्नल स्टेटमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करते हैं ठीक है तो दिस इज पॉलिसी चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा जो टाइप का प्लान है दैट इज प्रोसीजर तो प्रोसीजर क्या है बताइए क्या है? ये सिंगल यूज है कि स्टैंडिंग है तो प्रोसीजर इज अ स्टैंडिंग प्लान प्रोसीजर उन एक्टिविटी के लिए प्रोसीजर क्या है एक ऐसा प्लान है जो उन एक्टिविटी के लिए डिजाइन किया जाता है आर रेगुलर, जो बार, बार हो रही हूँ तो एक बार डिजाइन कर, कि तो कर दिया तो दैट इज प्रोसीजर ठीक है जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल ये यह यहाँ मैंने लिखा है की कोई इंटरप्राइज है वो क्या प्रोसीजर फॉलो करती है फॉर परचेज ऑफ गुड्स जब भी उनके यहाँ पे गुड्स परचेज किया जाता है तो एक पर्टिकुलर से मतलब एक पर्टिकुलर प्रोसीजर वो फॉलो करते हैं जैसे एग्जांपल के लिए वो सबसे पहले सप्लायर आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से उनके सप्लायर है, हैं ठीक है उनको आइडेंटिफाई करते हैं फिर सप्लायर से क्या करते हैं कोटेशन इनवाइट करते हैं फिर को कंपेयर किया जाता है ठीक है फिर उसके बाद ऑर्डर प्लेस किया जाता है थीके? फिर उसके बाद प्रोडक्ट रिसीव किया जाता है ठीक है उसके बाद उसका इंस्पेक्शन किया जाता है ठीक है थीके? फिर प्रोडक्ट अगर सही निकलता है तब उसका पेमेंट किया जाता है तो ये क्या है प्रोसीजर

प्रोसीजर क्या है एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस यानी किसके बाद हमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करती करनी है

ठीक है तो दिस इज प्रोसीजर एंड प्रोसीजर इज जनरली स्टेब्लिश फॉर बताया था अभी रिपिटेटिव एक्टिविटी यानी जो रिपिटेटिव एक्टिविटी है जो बार बार ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होती है उनके लिए प्रोसीजर डिजाइन किया जाता है क्योंकि यहाँ पे सेम स्टेप आपको बार बार फॉलो करने हैं बार बार गुड्स को मार्केट से परचेज करना है बार बार एम्प्लॉई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से जाएंगे आएंगे ठीक है तो इम्प्लॉय जब भी रिक्रूट होंगे तो सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है ठीक है बट उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जाता है ठीक है क्योंकि इट डिपेंड ना कि वो जो एम्प्लॉय है वो किस लेवल का है वो मिडिल लेवल का है लोअर लेवल का है अपर लेवल का है किस लेवल का है उसके हिसाब से इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाता है प्रोसीजर में ठीक है तो प्रोसीजर रिपीटेटिव एक्टिविटी के लिए होता है इसमें सेम स्टेप परफॉर्म होते हैं हर बार जब भी वो एक्टिविटी परफॉर्म होती है ठीक अब ये जो प्रोसीजर एंड प्लानिंग

ठीक है प्रोसीजर यानी वो स्टेप जो कैरी ऑन करने हैं वो पॉलिसी है उनको ध्यान में किया जाता है. जाते है. एक मतलब एक लंबे समय के बाद अगर चीजें चेंज हो गई है एक्सटर्नल एनवायरमेंट चेंज हो गया है ठीक है तो फिर प्रोसीजर में चेंज किया जाता है बट अदरवाइज प्रोसीजर इज रिजिड नहीं तो प्रोसीजर क्या होता है रिजिड होता है तो दिस इज प्रोसीजर ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और देखिएगा कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ अपलोड कर चुकी हूँ ठीक है तो ये आज की तारीख तक है ये है फरवरी 2022 तक अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें कई और नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे ये अभी तक है ठीक है अभी तक मैं अपने चैनल पे 200 सॉरी 350 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ और ये जो वीडियो लेक्चर्स है ये मैंने आपके लिए अपलोड किया है ठीक है तो बस मेरा यही कहना है कि इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ठीक है और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मेरे चैनल पे आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं उनकी लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है ठीक और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करिएगा क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी मैं नया वीडियो डालूंगी तो चैनल सब्सक्राइब करना है एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना है और अगर लेक्चर समझ में आया तो उसे लाइक करना है नहीं समझ में आया तो मत करिएगा लाइक ठीक है बट अगर समझ में आया तो प्लीज एक सेकंड का ही समय लगता है जरूर लाइक करिएगा एक एक वीडियो बनाने में हमें घंटों का एफर्ट मतलब घंटों का एफर्ट लगता है ठीक है बट आपको शायद एक कमेंट करके हमें फीडबैक देने में और वीडियो को लाइक करने में केवल एक सेकेंड लगेगा ठीक है तो प्लीज हमें मोटिवेट करते रहा करिए हमें सपोर्ट करते रहा करिए तभी हम लेक्चर वीडियो लाते रहेंगे वरना ये बहुत मुश्किल है ठीक है किसी भी यूट्यूबर के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं पांचवा जो प्लान है दैट इज नेक्स्ट जो टाइप ऑफ प्लान है दैट इज मेथड जो नेक्स्ट जो टाइप ऑफ प्लान है वो है मेथड और मेथड किस टाइप का है सिंगल यूज है कि स्टैंडिंग है तो मेथड इज ए स्टैंडिंग प्लान यानी

मतलब क्योंकि ये काफी बच्चे समझते हैं ये सब सेम है बट दीज आर नॉट सेम देर इज अट डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म ठीक है तो इसलिए समझना जरूरी है और एग्जाम में इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है तो ये टर्म क्लियर रहेंगे तभी डिफरेंस लिख पाएंगे तो इसलिए मेथड क्या होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखे पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो भी प्रिस्क्राइब प्रोसेस है जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिस्क्राइब किया है प्रोसेस उसी को कहा जाता है मेथड ठीक है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो प्रिस्क्राइब प्रोसेस होता है उसी को कहा जाता है मेथड अगर ऑर्गेनाइजेशन सही मेथड फॉलो करती है प्रॉपर मेथड फॉलो करती है देन इट हेल्प इन सेविंग टाइम तो क्या होता है समय बचता है पैसा बचता है एफर्ट बचता है और वो जो ऑपरेशन होता है वो एफिशिएंटली परफॉर्म हो पाता है अगर ऑर्गेनाइजेशन सही मेथड फॉलो करती है तो ठीक है एंड जैसे जैसे के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है अपने को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है तो डिफरेंट लेवल देखिए लोअर लेवल मिडिल लेवल टॉप लेवल टॉप लेवल मैनेजमेंट ठीक है तो डिफरेंट लेवल के लिए क्या होता है डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है डिफरेंट मेथड ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है ठीक है तो दिस इज मेथड एंड मेथड कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिचुएशन ठीक है तो मेथड क्या है एक प्रिस्क्राइब प्रोसेस है एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने का जैसे इंप्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का डिफरेंट मेथड होता है डिफरेंट लेवल के लिए एक और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक वैसे मैं पढ़ा चुकी इस पे मेरी सेपरेट वीडियो है कॉस्ट अकाउंटिंग में तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट मेथड फॉर वैल्यूएशन वैल्युए स्टॉक अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्टॉक का वैल्यूएशन करना है तो ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे मेथड है लीफो मेथड फीफो मेथड हीफो मेथड इन सब का फुल फॉर्म तो जानते हैं ना फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट लास्ट एंड फर्स्ट आउट हाईएस्ट एंड फर्स्ट आउट

नेक्स्ट इज रूल रूल अगला क्या है rule. तो रूल से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं आप स्कूलों में पढ़ चुके हैं आप कॉलेज में अगर पढ़ रहे हैं तो जानते हैं स्कूल के रूल्स होते हैं कॉलेज के रूल्स होते हैं और यहाँ पे कंपनीज के भी रूल होते हैं तो रूल बेसिकली क्या होता है रूल एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है जो इन्फॉर्म करता है वॉट इज टू बी डन यानी करना क्या है क्या करना है क्या नहीं करना है ये रूल में प्रॉपरली स्टेटेड होता है सबसे पहले तो इंगीजा बता देती हूँ रूल क्या है सिंगल यूज प्लान है कि स्टैंडिंग प्लान है तो रूल इज स्टैंडिंग प्लान रूल किस टाइप का प्लान है ये उनके लिए प्लान होता है ठीक है तो स्टैंडिंग प्लान और रूल क्या है एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो बताता है व्हाट इज टू बी डन यानी करना क्या है रूल्स आर मैनेजीरियल डिसीजन रूल क्या होते हैं मैनेजीरियल डिसीजन होते हैं जो बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है

रूल डिमांड करते हैं कि इसको स्ट्रिक्टली से फॉलो करने की जरूरत है तो रूल्स आर रिजिड ठीक है एंड सिंपल रूल इज द सिंपलेस्ट प्लान रूल क्या होता है सिंपलेस्ट प्लान होता है इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं होती है कोई चेंज नहीं होता है अनलेस पॉलिसी डिसीजन इज टेकन वही बताया रूल रिजिड होते हैं इनमें कोई चेंज नहीं किया जाता है अनलेस स्पेशल केसेस अनलेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पॉलिसी में कोई चेंज किया हो तो तो उसी कंडीशन में रूल में थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है अदरवाइज रूल रिजिड होते हैं ये सिंपलेस्ट प्लान होते हैं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कोई कोताही नहीं बरती जाती है जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक रूल लिखा है की एक कंपनी है उसका रूल है कि नो स्मोकिंग इन फैक्ट्री फैक्ट्री में स्मोकिंग नहीं करना है कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं तो ये रूल है ठीक है और ये रिजिड रूल है अगर नहीं फॉलो करोगे तो देर इज अ स्ट्रिक्ट सम पेनाल्टी कुछ ये मतलब ये रूल डिमांड करता है स्ट्रिक्ट कम्प्लायसेज और इसमें कुछ पेनाल्टी लग जाएगी अगर नहीं फॉलो किया तो ठीक है कुछ मेजर एक्शन लिए जा सकते हैं तो ये क्या है रूल कोई ऑर्गेनाइजेशन ये हो सकती है कि उसके यहाँ रूल है कि आपको टाइम पे एंट्री करनी है टॉप मैनेजमेंट को छोड़ के मिडिल लेवल और लोअर लेवल के लिए रूल है कि आपको टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन आना है ठीक है तो ये क्या है रूल है तो इस टाइप के रूल बना सकते हैं तो ये भी एक टाइप ऑफ प्लान होता है अगला है प्रोग्राम प्रोग्राम किस टाइप का होता है स्टैंडिंग प्लान होता है कि सिंगल यूज प्लान होता है तो प्रोग्राम इज अ सिंगल यूज प्लान सिंगल यूज प्लान यानी वन टाइम प्लान ठीक है यानी ये डिजाइन किया जाता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए दिस इज सिंगल यूज प्लान तो प्रोग्राम क्या होता है प्रोग्राम इज अ डिटेल स्टेटमेंट प्रोग्राम एक डिटेल स्टेटमेंट होता है अबाउट अ प्रोजेक्ट किसी प्रोजेक्ट के लिए एक डिटेल स्टेटमेंट होता है जिसमें आउटलाइन होती है अबाउट द

जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन का प्रोग्राम होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं ठीक है थीके? तो ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है डिटेल स्टेटमेंट होता है और ये वन टाइम होता है ना ट्रेनिंग तो एक ही बार हो रही है ठीक है अभी फिलहाल एक बार हो रही है किसी सपोज करिए लेवल मैनेजर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया गया है ठीक है तो ये क्या है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए प्लानिंग की जा रही है ठीक है और वो सिचुएशन या वो एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी तो ये प्लान डिस्कार्ड हो जाएगा क्या यही प्लान दोबारा यूज किया जाना है नहीं यही प्लान दोबारा नहीं यूज होगा ठीक है तो ये क्या है सिंगल यूज प्लान है तो जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ प्रमोशन प्रोग्राम हुआ प्रमोशन प्रोग्राम मतलब कोई प्रोडक्ट है वो लॉन्च किया गया है तो अब उसका प्रमोशन किया जाएगा एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा ठीक है तो वो क्या है प्रमोशन प्रोग्राम अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई कॉन्फ्रेंस होनी है कोई सेमिनार होना है तो उसके लिए जो अः डिटेल स्टेटमेंट बनाया जा रहा है उसकी जो पूरी प्लानिंग की जा रही है वो क्या है प्रोग्राम तो प्रोग्राम क्या होता है ये एक डिटेल स्टेटमेंट होता है

ठीक है जैसे कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स होते हैं तो उसमें पूरी आर्टनरी पहले से डिजाइन होती है ना कि सबसे पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा दस बजे क्या होगा साढ़े दस बजे किसकी स्पीच है पौने दस बजे किसकी स्पीच है पूरी डिफाइंड होती है ना आर्टनरी टाइम के हिसाब से किसके बाद स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है ठीक है स्टेप बाय स्टेप पूरी चीजें डिफाइंड होती है उस प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव करने के लिए तो दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम ठीक है तो ये क्या है स्टैंडिंग प्लान सॉरी स्टैंडिंग नहीं सिंगल यूज प्लान वन टाइम यूज होता है तो है नहीं कि रेगुलर एक्टिविटी है बार बार यही बजट फॉलो करना है जो अभी गवर्नमेंट का बजट आया है फरवरी का इस समय महीना चल रहा है अभी गवर्नमेंट का बजट आया है कुछ समय पहले दस दिन पहले गवर्नमेंट का बजट आया ठीक है ठीके? तो क्या यही बजट अगले अगले के अगले फाइनेंशियल ईयर में भी यही यूज होना है नहीं तो इट्स अ सिंगल यूज प्लान बजट क्या है बजट इज अ टाइप ऑफ प्लान जो सिंगल यूज होता है ठीक है जो सिंगल यूज होता है यानी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए इसे डिजाइन किया जाता है वन टाइम प्लान होता है एक बार यूज होता है उसके बाद ये बजट डिस्कार्ड हो जाता है फिर नया बजट डिजाइन होगा जैसे अगर कंपनी uh, के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सेल्स बजट हुआ, हुआ है, मैं बार आपको पढ़ा चुकी हूँ ये मैंने कहां -कहां पे पढ़ाया। ये मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब मैंने पढ़ाया तो मैंने बजट पढ़ाया आपको ठीक है फिर जब मैंने इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाया तब मैंने गवर्नमेंट बजट की बात कही गवर्नमेंट बजट पढ़ाया उस पर डिटेल लेक्चर है मेरा ठीक है तो बजट कई बार अब डिस्कस हो चुका है तो मुझे लगता है अब आपको बजट समझ में आ रहा होगा तो बजट क्या है ये एक सिंगल यूज प्लान है बजट एक स्टेटमेंट होता है ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है ठीक है उसका एक स्टेटमेंट होता है जिसमें सारी चीजें न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस होती है ठीक है क्वांटिटेटिव टर्म न्यूमेरिकल टर्म में सारी चीजें एक्सप्रेस होती हैं फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बजट हमेशा किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है जैसे अभी जो गवर्नमेंट का बजट आया है ये अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए ठीक है ऐसी कंपनी का अगर मैं कैश बजट की बात करूं कैश बजट क्या होता है जिसमें जो भी गवर्नमेंट जो भी कंपनी के एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो है और जो भी एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो है कहाँ कहाँ से कैश आएगा कहाँ कहाँ कैश जाएगा अगले अगर सपोज करिए ये जो कैश बजट है वैसे ये तीन महीने के हो सकते हैं छह महीने के हो सकते हैं एक साल के होते हैं ठीक है कई उसके हो सकते हैं और कुछ और साल तीन साल पांच साल के भी बजट होते हैं बजट मैंने डिटेल में खैर वहां पढ़ाया हुआ है शॉर्ट टर्म बजट लॉन्ग टर्म बजट ऐसे होते हैं तो बजट हमेशा पर यह बात है कि बजट हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है ठीक है अब वो टाइम पीरियड डिफाइन होता है जैसे गवर्नमेंट का बजट एक साल के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपना कैश बजट बनाया वो शायद उसने अगले तीन महीने के लिए बनाया तो शॉर्ट टर्म बजट है

ताकि हमारे लिए इजी हो पाए एक्चुअल फिगर को एक्सपेक्टेड फिगर से कंपेयर कर पाए ठीक है जैसे एग्जांपल के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया कैश बजट उसमें ऑर्गेनाइजेशन ने अः मतलब कैश बजट में कितना कैश इनफ्लो होगा कितना कैश आउटफ्लो होगा इसका पूरा एक्सपेक्टेड फिगर ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशन ने सपोज करिए किया था कि हमारे पास इस बार जो कैश इनफ्लो होगा दैट विल बी वन करोड़ ये एग्जांपल है केवल ठीक है अगले तीन महीने पे हमारे पास जो कैश इनफ्लो आना है वो आना है एक करोड़ का यानी हमारी इतनी सेल्स होनी है इतने पेंडिंग डेटर्स के पास पैसे है वो सब आएंगे तो एक करोड़ का कैश इनफ्लो होना है ठीक है पर अगले एक महीने में कितना एक्चुअल फिगर कितना कैश इनफ्लो हुआ उसको फिर कंपेयर कब कर पाएंगे व्हेन यू हैव मेड द ठीक है 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 ये जो वन करोड़ है, ये जो करोड़ क्या एक्सपेक्टेड फिगर है ये आपने कैश बजट में डिफाइन किया है कि अगले तीन महीने में हमारे पास एक करोड़ का कैश इनफ्लो होगा तो ये क्या है एक्सपेक्टेड फिगर फिर एक्चुअल में अगले तीन महीने में कितना कैश इनफ्लो हुआ वो क्या हुआ एक्चुअल फिगर तो बजट से क्या होता है ये इजी हो जाता है एक्चुअल को एक्सपेक्टेड से कंपेयर करने में ठीक है और फिर उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन करेक्टिव एक्शन ले पाती है ठीक है अगर एक करोड़ का इन्फ्लो नहीं हुआ यानी कहाँ कमी रह गई कहाँ कहाँ से पैसे आने थे जो नहीं आए कौन कौन से डेटर ने पैसा नहीं दिया ठीक है कहा हमने सेल्स की जिसका पैसा फंस गया तो ये सब फिर एनालाइज किया जाता और है और करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं वैसे मैं बजटरी कंट्रोल एक टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि बजट इज अ कंट्रोल डिवाइस बजट क्या है कंट्रोल डिवाइस है क्योंकि इसमें हम कंपेयर कर पाते हैं एक्चुअल को बजटेड के साथ तो ये बेसिकली कंट्रोलिंग में हेल्प करता है तो दिस इज बजट ये होता है बजट ठीक है तो इस तरीके से थे ये आठ प्लान ठीक है तो अगर हमें डिटेल में पूछा जाए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लान या टाइप ऑफ प्लान प्लान कितने टाइप के होते हैं तो मोटा मोटा तीन टाइप के होते हैं एक होता है सिंगल यूज प्लान वन टाइम प्लान जो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए डिजाइन किया जाता है दूसरा क्या होता है स्टैंडिंग प्लान यानी वो एक्टिविटीज जो रेगुलर है ऑर्गेनाइजेशन में जो बार बार अगर करती है उनके लिए जो प्लान किया बनाया जाता है दैट इज स्टैंडिंग प्लान और फिर तीसरा आता है जो न तो स्टैंडिंग प्लान होता है न सिंगल यूज प्लान होता है वो आता है अदर प्लान की कैटेगरी में ठीक है अगर इनके एग्जाम्पल पूछे जाए तो सिंगल यूज प्लान में आते हैं दो पहला आता है प्रोग्राम दूसरा आता है बजट ये वन टाइम है ये दोनों क्या है ये दोनों वन टाइम प्लान है एक बार यूज होता है उसके बाद वो वो जो भी स्पेसिफिक सिचुएशन है या जो भी गोल है वो अचीव हो जाता है तो ये प्लान डिस्कार्ड हो जाते हैं ठीक है स्टैंडिंग प्लान यानी जो हमेशा के लिए बना दिया गया है बट उसमें टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन किए जाते हैं बट हमेशा जो रेगुलर एक्टिविटी के लिए प्लान एक बार बना दिया गया है दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान जैसे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हमेशा के लिए है ठीक है बट इनमें समय समय पे मॉडिफिकेशन की जरूरत अगर पड़ती है तो ऑर्गेनाइजेशन करता है इसमें, जैसे इसमें आता है पॉलिसी इसमें आता है रूल इसमें आते हैं मेथड इसमें आते हैं प्रोसीजर तो ये क्या है स्टैंडिंग प्लान और अगर अदर प्लान की बात करें यानी वो प्लान जो ना सिंगल है ना स्टैंडिंग है वो आते हैं अदर प्लान की कैटेगरी में इसमें दो आते हैं एक स्ट्रेटेजी एक ऑब्जेक्टिव ठीक है तो ये टोटल हमने आठ टाइप के प्लान पढ़े चाहे अच्छे से समझ में आ गया होगा तो चलिए मैं लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग दैट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट का दूसरा फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग वो अब हम डिटेल में अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ठीक है तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर मिलते हैं अब अगले लेक्चर में वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में गॉड ब्लेस यू अपना ध्यान रखिएगा